ओके तो ये हो गया अपने पास कंफोनेशन. अब हम नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं कपलिंग रिएक्शन. फिनोल का कपलिंग रिएक्शन. तो कपलिंग रिएक्शन में क्या करते हैं हम कि पहले डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. और यू नो डाइजोनियम अगर क्लोराइड बनाना है आपको ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो हम किससे बना सकते हैं इसको एनिलीन से है ना. एनिलीन से इन द प्रेजेंस ऑफ NaNO2HCl इन आइस कोल्ड सॉल्यूशन 0 to 5 डिग्री सेल्सियस 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर. तो इसको हम करते हैं फिनोल के साथ. अब आपको पता है फिनोल जो होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ OH इट इज ऑर्थोपैरेट्रिक्टिक बट बीइंग बल्की ये ग्रुप बल्की है इसलिए जो प्रोडक्ट मेनली हमें मिलेगा दैट इज पैरा. अब देख लो ये वाला जो प्रोडक्ट है एन ट्रिपल बॉन्ड एन पॉजिटिव वो इस फॉर्म में मिलेगा हमें एंड इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. तो ये एज इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक करेगा. और फिनोल क्या एसिड तो हमने हमें क्या चाहिए वीकली एसिडिक मीडियम पीएच वीकली बेसिक मीडियम पीएच 9 to 10. ये भी इंपॉर्टेंट है कि वीकली बेसिक मीडियम इज रिक्वायर्ड सो दैट फिनोल इज इन द फॉर्म ऑफ फिनोक्साइड आए. किसकी फॉर्म में हो फिनोक्साइड. और इसलिए ये जो है ये वाला ग्रुप इस फॉर्म में दैट विल अटैक ऑन. अच्छा वीकली क्यों चाहिए अगर स्ट्रॉन्गली बेसिक होगा तो क्या होगा. अगर देखो वीकली बेसिक होगा तो फिनोल जो है वो किस फॉर्म में आ जाएगा फिनोक्साइड आयन की फॉर्म. वीकली बेसिक मीडियम में इट इज इन द फॉर्म ऑफ फिनोक्साइड ठीक है ना. बट एट द सेम टाइम जब हमारे पास अगर मैं स्ट्रॉन्गली बेसिक मीडियम कर दूं अगर मीडियम होता है स्ट्रॉन्गली बेसिक तो क्या होगा N प्लस प्लस OH माइनस H तो यहां N पॉजिटिव की जगह OH लग जाएगा. तो जब ये N पॉजिटिव की जगह OH लग जाएगा तो ये तो इट इज नो मोर इलेक्ट्रोफिलिक तो रिएक्शन होगा ही नहीं. तो इसलिए मीडियम जो है हमें बेसिक चाहिए बट मीडियम शुड बी वीकली बेसिक. इसलिए हम बोलते हैं कि इट इज पीएच कंट्रोल्ड रिएक्शन.